मैं नहीं लगाने वाली ये कौन सा मास्क लाया है? ये तुमने सारे कपड़े निकाल दिए थे, मैंने कैप निकाल दी उसकी लेपड़ की। मेरा कैप बचा, मुझे पसंद है लेपड़ पर ड्रेस, मास्क नहीं पहनूंगी मैं, सच में नहीं पहनूंगी। दिखेगी ना तो अगर नहीं, नहीं मैं नहीं पहनूंगी सच में, मास्क दिखेगा बोल रहा हूं। अरे पागल हो गए, ये कौन सा मास्क लेके आए हो? अलग अलग टाइप के। ओ माय गॉड, ये देखो बहुत मस्त है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिर से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है एंड सुबह 6 बजे मैंने उठ के सारा टिफ़िन विफिन इनका पैक कर दिया। अंधेरा था बिल्कुल, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया था। एंड 6:30 बजे इनके स्कूल से मैसेज आया कि अभी 2 दिन तक ऑनलाइन क्लास होगा क्योंकि केसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड कुछ मतलब जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो ड्राइवर्स वगैरह भी पॉजिटिव हो रखे हैं, इसलिए बस सर्विस नहीं चलेगा, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास होगा 2 दिन। तो फिर टिफिन हनी बनी अभी बैठ के घर में खा रहे हैं एंड ऑनलाइन क्लास करेंगे। सो लंच में मैं छोले चावल बना दूंगी। तो यहाँ पे छोले मैं रात में भिगोना भूल गई थी, तो सुबह मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, उसको बॉईल करूँगी। एंड ये जो टी डिफ्यूज़र है ना, उसमें मैंने लिया है चाय पत्ती एंड सारे खड़े गर्म मसाले इसी में ऐड कर दूँगी। लौंग एंड ये जो ब्लैक पेपर ऐड किया मैंने एंड ये जो सिनेमन है मैं इसमें ऐड कर दूँगा, इसमें जगह नहीं होगा। इससे ना सारा फ्लेवर मसाले का एंड चाय पत्ती का जो कलर है वो अच्छे से छोले में आ जाएगा। एंड ये बॉईल होने के बाद इसको इजीली अपने रिमूव कर दोगे तो खड़े गरम मसाले मुँह में भी नहीं आएंगे एंड खड़े गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाएगा। तो बस इसमें मैं नमक एंड थोड़ा सा बस हल्दी डाल के इसमें मैं सीटी लगा दूंगी, 4 से 5 सीटी। सो छोले यहाँ पे करीब 70% बॉयल हुए हैं। तड़का लगाने के बाद मैं और 2 सीटी लगाऊंगी, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छे से घुल जाए मतलब उसमें सब्जी में। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, गरम कर लिया है, तेज पत्ता, प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर एंड थोड़ा सा चना मसाला, कसूरी मेथी। मसाले में वही छोले वाला जो पानी है ना, जो बॉयल वाला, वो ऐड करके उसको थोड़ा सा भून लेंगे। बॉयल छोले, चाय पत्ती ऐड करने से कलर कितना मस्त आता है देखिए। पानी, यहाँ पे थोड़े से छोले मैंने मैश कर लिए थे तो उसको ऐड कर ताकि ग्रेवी जो है वो तो थिक बन जाए। बस इसमें अभी और 2 सीटी लगा दूंगी। पैकिंग चल रही है कल से, कल से पैकिंग हो रही है। जूते ही संभालते संभालते टाइम निकल गया, इधर से निकालो उधर डालो, उधर से निकालो इधर डालो। 8 पैर जूते हैं खाली, नए टू बी स्पेसिफाइड, नए और जूते है मतलब वो ना शूज है ना सारे, नहीं नहीं वो भी तो लिया ना, चप्पल है क्योंकि वो बड़े जूते तो ज्यादा स्पेस लेते हैं। ये अभी माया का भी पैकिंग होगा, ये रखा है और माया का दूसरा ट्रॉली कहाँ है, इधर है, इसमें तो माया का खाली जूता भर जाएगा, स्टोर रूम में खाली उसके जूते के बॉक्सेस पड़े इतने सारे। बाय बाय, जय माता दी, लेट्स ड्रॉ, बाय 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 बाय। Oh, my God.
इधर हनी बनी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उधर भाभी का ब्रेकफास्ट दे दिया है, उनका भी ऑफिस चल रहा है, एंड जीत का भी दूसरे रूम में वो ऑफिस कर रहे हैं अपना। मौसम देखिए गाइस क्या मस्त हो रखा है, हवा चल रही है, कपड़े सब उड़ के गिर रहे हैं नीचे, सब धुल रहे थे और धीरे धीरे सब उड़ के नीचे गिर रहे हैं। एंड अभी शाम के 5 बजे है एंड मौसम देखिए, आई थिंक बारिश होगा रात को। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? ये वाला ब्लॉग आई थिंक 3-4 दिन से कंटिन्यू, क्योंकि मेरा ब्लॉग ऑलरेडी एडवांस चल रहा था एंड न्यू ईयर से पहले जो हम लोग ब्लू वाटर आइलैंड वगैरह गए थे वो सब मैंने बाद में डाला था, क्योंकि मैंने न्यू ईयर वाला ब्लॉग मुझे पहले डालना था। ठीक है, तो ये है एंड कल नहीं, मतलब इससे पहले कि कौन से दिन मुझे याद भी नहीं है, भाई गया तो मैं इंडिया गया तो मैंने उसका वीडियो शेयर किया। भाभी नहीं गई है, भाई खाली गया है एंड जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ट्रैवल करते हो आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ता है, तो भाई भाभी गए थे कोविड टेस्ट कराने के लिए एंड भाई का नेगेटिव, भाभी का पॉजिटिव रिपोर्ट आया, जबकि भाभी भी ऐसे मतलब कुछ भी सिम्टम, ये बड़ा अनोखा है ना, मतलब दो लोग जो साथ में बिल्कुल उठते बैठते सोते सब कुछ है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, उनको बस थोड़ा सा हेडेक है और कुछ नहीं है, वो तो उनको होता ही है क्योंकि उनको साइनस है, माइग्रेन है, तो उनको होता है हमेशा, ये कोई नई बात नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है उनका, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई सर्दी जुकाम ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कुछ नहीं, बट हाँ लेकिन ये है कि आज के टाइम पे जो कोरोना नॉर्मली फैल रहा है बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक है, सुना है कि हाँ एसिम्प्टोमेटिक है, नॉर्मली लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे, वो सब चीजें जो कि एक अच्छी चीज है, बट यहाँ पे यही चीज है, इंटरव्यू में इन्होंने बोला तो फिर बाकी सब लोग अपना अपना टेस्ट करा रहे, तो संग्राम माया को अपना टेस्ट उनके हॉस्पिटल वगैरह हॉस्पिटल कह रहा हूँ, अपने होटल इंडस्ट्री वगैरह सब चेक कराई तो वो लोग नेगेटिव, हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला नहीं एसिम्प्टोमेटिक है, जरूरत नहीं है, तो यहाँ का रूल ये है कि आपको अगर आप कॉन्टेक्ट में आए हो तो आपको 7 दिन क्वारंटीन रहना है, और 7 दिन क्वारंटीन किस तरीके से रहता है कि जिस दिन टेस्ट हुआ उसके 2 दिन पहले से शुरू हो जाता है, तो यानी जिस दिन टेस्ट हुआ उसके अगले दिन ऑलरेडी 4th दिन हो जाता है, तो यानी 3-4 दिन और एंड उसके बाद यू कैन गो बैक टू नॉर्मल विदाउट टेस्ट, बट वी विल स्टिल डू अ टेस्ट जस्ट टू इंश्योर कि हाँ ठीक है, किसी और को अगर आपका क्वारंटाइन में आपको कोई सिम्टम डेवलप होते हैं देन आप टेस्ट कराओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो भाई चला गया इंडिया क्योंकि उसका जाना बहुत जरूरी था, उसको अपना लैपटॉप वगैरह सबमिट करना था, उसका नया जॉब है एंड वो फिर से वापस आएगा, वो क्यों वापस आएगा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसको आने दो फिर मैं बताती हूँ। फिलहाल तो भाभी आइसोलेटेड है एक कमरे में एंड हम सब लोग घर में क्वारंटीन है एंड हनी बनी का स्कूल तो ऑनलाइन क्लास चला 2 दिन, अभी उनका फेस टू फेस क्लास होगा, मतलब स्कूल जाने वाले, बस स्कूल से हमने बात कर लिया तो स्कूल ने भी बोला कि हाँ अगर ऐसा रूल है ऐसा कुछ तो दो दिन के बाद ही भेजना स्कूल, तो वो नेक्स्ट वीक से स्कूल जाएंगे। आपको क्या बताना, अगर आप लोगों को किसी से पता चला हो कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक में कोई सिम्टम ही नहीं है ना, उसको कुछ स्पेसिफिक सर्दी है ना, जुकाम है ना, बुखार है ना, कुछ है उसके बाद भी पता नहीं है क्या चीज है, बट कैसे डिटेक्ट होता क्या चीज है, मौसम भी खराब है ना यहाँ पे, आप लोग सब लोग बच के रहें, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टेक केयर करते रहें। जीत भी अभी 3-4 दिन का, मतलब ऑलरेडी, तो ये जब ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे तब शायद हमारे क्वारंटीन का 5वां या 6वां दिन होगा, जब आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे, तो जीत का भी वो 7 दिन कंप्लीट करके वो ऑफिस ज्वाइन करेंगे, मतलब टेस्ट करा के जस्ट टू इंश्योर कि यार किसी और, क्योंकि भले ही हम लोग भी एसिम्प्टोमेटिक है बट अभी तो फैल रहा है, प्लीज बच के रहें, सारी चीजें सेट रखें, अपने आप का अपना ख्याल रखें
है ना। तो यही है भाभी, मास्क जरूर पहने भाभी, क्योंकि हम लोग आपस में नहीं पहनो तो भाभी अपना वो उनको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो एक रूम में क्वारंटाइन। एक ही प्रॉब्लम रहता है कि आदमी अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता है तो आप चुपचाप से ऐसे थाली मोबाइल और वो कर लो, वही है। तो बस यही है अपडेट, यही आप लोगों के साथ में शेयर करना था। तो भाई गया है, वो शायद अपना काम निपटा के 5-6 दिन में वापस आएगा क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ काम है एंड भाभी को साथ में भी लेके जाना है। तो अभी वो उनका तो 10 दिन का आइसोलेशन है, 10 दिन के बाद फिर जब वो इंडिया जाएंगे उससे पहले वो टेस्ट करवाए। हाँ, उनका 10 दिन कंप्लीट होने के बाद मतलब उनका वापस से कोरोना टेस्ट होगा एंड और एक प्रॉब्लम मतलब क्योंकि वो एक महीना ऑलरेडी रह चुके थे इधर, ग्रेस पीरियड में थे, तो अभी जैसे 10 दिन और रहेंगे इधर तो उनको वीजा एक्सटेंड कराना पड़ा एंड यहाँ पे अगर आप वीजा रहते हुए एक्सटेंड कराते हो तो वीजा का कॉस्ट ज्यादा आता है, ऑलमोस्ट 3 times पड़ता है। थ्री टाइम्स मतलब जैसे 1 month का वीजा अराउंड 350 आया था तो ये अभी 1000 dirhams का आया। आज उनका वीजा अभी अप्लाई हो गया है तो वो आ जाएगा कल परसों में वीजा। तो अभी पहले लोगों ने कोशिश किया कि इस पे कोई रियायत कोई रिलैक्सेशन मिलता है अथॉरिटी से, बट पता किया तो फिर वो मालूम नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो उस पे फाइन लगते हैं, तो बेटर कि वीजा एक्सटेंशन करा लीजिए। तो वही है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है घर में, बट हाँ थोड़ा मतलब ज्यादा इधर उधर हो गया, हाउस पास हो गया, सबका खर्चा डबल हो गया, यही सब है, थोड़ा बहुत और कुछ नहीं। सब लोग ठीक है, यही था अपडेट। हो सकता है मैं 2-3 दिन मतलब 1-2 दिन के बाद ब्लॉग प्रॉपरली डालना स्टार्ट करूंगी क्योंकि अभी माहौल अच्छा नहीं लगता, सब लोग घर में ऐसे ही बैठे, टीवी भी हमारा खराब हो गया, कुछ नहीं कर रहे बैठे तो क्या मैं ब्लॉग, रिमोट खराब हो गया तो खाली टीवी चल रहा है, एक्चुअली टीवी स्मार्ट टीवी होता था ना, आप उसमें कुछ भी इंटरनेट लगा के देख लो, तो अब खाली टीवी देखने का मन किसी का नहीं कर रहा है, तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में, जो क्वारंटीन है अपने मोबाइल में, हम अपने जो आइसोलेटेड है वो भी अपने घर में अपने मोबाइल में। तो वही है, तो चलिए गाइस यही है अपडेट, तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड अपना ख्याल रखें, बच के रहें, बाय बाय बाय।